मेरी मौतबाना गुजारिश है एलजी साहब से, मेहरबानी करके इस छोटे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरे माँ बाप के बेटे को छोड़ दो, प्लीज उसे रिलीज करो, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उसे रिलीज करें, उसे रिलीज करें। सहरिश फिरोज, अर्शलान फिरोज की सिस्टर, हमने उसे यहाँ से खुद हैंडओवर किया है। फिर इन लोगों ने हमें बोला एमआरगंज में कि इसे 2-3 घंटे के लिए क्वेश्चनिंग के लिए हम लेके जा रहे हैं NIA ऑफिस सनवार। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, अगर 2-3 घंटे का काम है तो कोई बात। तो फिर सेकेंड डे हम जब कपड़े लेने गए, फिर इन लोगों को हमने पूछा वहाँ पे क्या मसला है, इन लोगों ने बोला कुछ नहीं, इसको बस क्वेश्चनिंग करनी है वहाँ पे, दैट्स ऑल। आप हमें खुदारा ये कहे, जब 40 डेज तक ये अंडर कस्टडी था, इसकी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हुई, वहाँ पे इसकी पूरी क्लैरिटी निकली, ये क्लियर निकला, तो इस एक दिन में, इस एक नाइट में इन लोगों ने इस पे इतनी एलिगेशंस क्यों? ये 12th में पढ़ता है और उसका प्रूफ मेरे पास ये है, इसका एग्जाम था वो भी मिस हुआ, वो उस टाइम अंडर कस्टडी था। मौतबाना गुजारिश है एलजी साहब से, डीआईजी साहब से और आईजीपी साहब से, प्लीज़ मेरे भाई को, अरसलान फैरोज को रिलीज करें, वो मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा है। परसों और कल मेरे माँ बाप एडमिट थे, डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि अगर इन्हें फर्दर स्ट्रेस दिया गया तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम, 5% चांसेस इनके हैं। आप मुझे खुदारा बताए, ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, ये आप देख सकते हैं, अगर मेरे माँ बाप को कुछ हुआ मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, इसे चलना नहीं आता है ठीक से, तो इतना दिमाग इसके पास कहाँ से होगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सपोर्ट अस, प्लीज।